हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन रारा। मटन रारा आपने बहुत खाया होगा, ये चिकन रारा है। इसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन को धो लिया है। मैरिनेट करने के लिए इसमें हमने 2 चम्मच दही डाला और 2 ही चम्मच हमने छोटे अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला। चुटकी भर हल्दी है, 2 चुटकी, आधे से भी कम नमक और आधे से भी कम काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर पीसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। थोड़ा सा हमारा ये चाट मसाला 1/2 चम्मच के करीब, इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। चिकन के सब तरफ लग जाना चाहिए, ऐसे उसको मिला लें। अब इसमें हमने क्यूड़ा पाउडर, जिसमें मैंने फूड कलर डाला हुआ है रेड और ऑरेंज, वो ज़रा सा डालेंगे। इससे अच्छा सा कलर हो जाएगा, बहुत डार्क लाल भी नहीं होगा। रेड और ऑरेंज कलर मिलाकर ही कलर डालें। ये जो हमारे चिकन की बोटियाँ हैं जिनमें हड्डी नहीं है, उसका हम कीमा बना लेंगे। आप चाहे हैंडी चॉपर में बना लें, चाहे मिक्सी में बना लें, चाहे हाथ से बना लें। थोड़ा सा मोटा कीमा चाहिए और वो भी 2 बॉडियों का, इतनी बड़ी। इसी तरह से ये चिकन रारा बनता है। हैंडी चॉपर में भी ये अच्छे से बारीक हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें छोटा छोटा करना पड़ेगा पहले, ऐसे बड़े नहीं चले। अब इधर हमने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाला और उसमें सारे खड़े गरम मसाला डालेंगे। ये हमने 6-8 काली मिर्चें डाली हैं, 3 लौंगें डाली हैं, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची तोड़ के डाली है और थोड़ा सा हम मटर के दाने के बराबर जायफल डालेंगे। इन मसालों को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएंगे, 1-2 सेकंड ही लगेंगे इसमें, तो हम इसमें 3 तेज़पत्ते डाल देंगे। मसालों को पहले डालने का यही है कि इस तेल में उसकी स्मेल अच्छे से आ जाए। 2 प्याज़ें बारीक चॉप्ड हमने डाली हैं, ये देखिए ब्राउन हो गई है। तब हमने इसमें मैरिनेटेड चिकन डाला है। चिकन को मैरिनेट करके चाहे आप 2 घंटे के लिए रख दें, चाहे ओवरनाइट, चाहे उसी टाइम यूज़ कर लें। मैंने 2 घंटे रखा था, जिससे उसके अंदर तक जूस सब चला जाए। ये हमने जो चिकन का बोटियाँ रखी थी, वो ही उसी का मोटा मोटा कीमा बना लिया। अब हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनते भूनते ही हमारा चिकन गलेगा। इसी मसाले में जो मैरिनेट है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भूनें। पंद्रह से 20 मिनट में लो हीट पर ये भुनेगा। अब हमने इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट, 2 टमाटर मिक्सी में चला के उनका पेस्ट बना लिया, वो डाला है। अच्छी तरह से टमाटर का पानी से ही अब ये भुनेगा। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा और ये अच्छी तरह से भून जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये भून भी गया
और इसमें चिकन गल भी गया है। अब हमने इसमें एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है जो मेरे घर का ही पिसा हुआ है। लास्ट में हमने बिल्कुल गरम मसाला पाउडर डाला है ताकि उसकी अच्छी खुशबू रहे। और ये वो ही केवड़ा में हमारा रेड और ऑरेंज कलर मिला हुआ था, वो हमने दो बूंद डाला है, दो तीन बूंदें। बिल्कुल लास्ट में गैस बंद कर देंगे। अब हमारा जो है